गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉट्स राइडर। इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूं यामा R3 और Z900 को। कंपैरिजन क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। देखो, मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखी थी, कुछ यूट्यूबर्स हैं वो Z900 को ना R3 से कंपेयर कर रहे हैं। बस इसी टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले मैं बता दूँ, भाई यामा R3 जो है वो 320cc का इंजन है इसका, इनलाइन 2 सिलेंडर। उधर Z900 जो है वो 900cc की बाइक है, इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है। Z900 में और R3 में ज़मीन आसमान का अंतर है। दोनों अलग अलग सेगमेंट है, दोनों का कोई मेल नहीं है, दोनों बाइकों को एक दूसरे से किसी का कोई लेना देना नहीं है। बट कई लोगों ने YouTube पे वीडियो डाली है कि भाई R3 को मैंने Z900 से हरा दिया और बहुत खुशी हुई मुझे। यार Z900 तो R3 को देखो हरा ही देगी, कोई बड़ी बात नहीं है। 125 BHP कहाँ 41 BHP, तो फ़र्क है यार 41 BHP में 125 BHP में। तो भाई मेरा उन लोगों से बस यही कहना है कि इन दोनों बाइकों का कोई कंपैरिजन नहीं है, इन दोनों बाइकों का कोई कंपैरिजन नहीं है। वो अलग सेगमेंट की बाइक है, ये अलग सेगमेंट की बाइक है। दोनों के प्राइस में भी ज़मीन आसमान का अंतर है। वो 9 लाख रुपये की बाइक है, वो 4 लाख रुपये की बाइक है। तो भाई मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ हमारे विख्यात भाई से जिनके पास Z900 है, Z900 के ऑनर है। हाय गाइस, ये विख्यात भाई हमारे। भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको राइडिंग करते करते कितना टाइम हो गया? भाई आई वाज इन राइडिंग सिंस 2004, 2004 16 साल हो चुके हैं भाई। तो विख्यात भैया, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक सुपर बाइक को, मतलब एक 900cc वाली बाइक को एक 300cc वाली बाइक से कंपेयर करना बनता है? नेवर भाई। देखो, पहली बात तो कंपैरिजन होता है उन मोटरसाइकिल्स का जो सेम सेगमेंट की हों, सेम क्यूबिक कैपेसिटी की हों। यस, एक 300cc को आप 900cc से कंपेयर करेंगे तो दैट इज़ फुलिशनेस, कोई लॉजिक नहीं बनता। वन इज़ 125 BHP एंड अदर इज़ 42 BHP। तो मतलब ना, वो एक चीज़ यहाँ एक चीज़ यहाँ आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो बेसिकली आप ये क्वेश्चन क्यों पुट अप किया आपने? मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, एक बंदा Z900 भगा रहा था हाईवे पे। ओके, तो उसके साथ साथ एक R3 भी भाग रही थी। तो उसने Z900 से R3 को हरा दिया। नहीं भाई, देखो ऑब्वियसली बात है यार, वो तो हारनी है। दैट अगर वो उसको कंपेयर कर रहा है तो दैट इज़ फुलिशनेस ऑफ हिम, चाहे वो कोई भी हो, अगर उसने ऐसा किया है तो। बिकॉज देखो, हम पहली बात एज अ बाइकर वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी बाइक, चाहे वो R3 हो, हीरो होंडा स्प्लेंडर हो, सिटी डॉन हो, RX100 हो, वॉट एवर द बाइक इज, हमें इज्जत करनी चाहिए। और जहाँ कंपेरिजन की बात आती है, देखो कंपेरिजन होता है, बड़े बड़े पावर ड्रिफ्ट करता है कंपैरिजन, ओवरड्राइव कंपैरिजन करता है, कंपैरिजन होते हैं। मगर एक सेम सेगमेंट की बाइक का कंपैरिजन, अगर आप बोलो R3 को मेरे को 390 से कंपेयर करना है, देन इट इज़ गुड। अगर आप बोलो Z900 को R3 से कंपेयर करना है, तो भैया आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। सिंपल सी बात, बिल्कुल भाई। तो इस वीडियो में मेरा जो मेन पर्पज़ है समझाने का, वो यही है कि भाई अगर किसी के पास सुपर बाइक है और आपके पास 300 या 400cc की बाइक है, पहली बात तो आप उससे रेस मत लगाओ, आप अपना आराम आराम से चलो। आपको पता है कि आप हार जाओगे, सुपर बाइक का मुकाबला आप नहीं कर सकते, ठीक है? तो मेरा कहना भाई ये है कि रेस मत लगाओ। दूसरी बात अगर वो आपको भड़का भी रहा है रेस लगाने के लिए, एक रेस लगा, आप तब भी मत लगाओ। आप अपने घर वालों को इमेजिन करो कि यार मेरे घर वाले क्या सोचेंगे अगर मेरे हाथ पैर टूट गए, मैं गिर गिरा गया, मेरे चोट लग गई, तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे इस बारे में। तो भाई यही सोच के आप सुपर बाइक से रेस मत लगाना कभी भी। और मैं जो लोग ये वीडियो डाल रहे हैं कि Z900 या R3 से रेस लगा रहे हैं वो लोग, या Ninja 300 से रेस लगा रहे हैं, या Duke 390 से रेस लगा रहे हैं, तो मेरा उन सभी भाइयों से बस यही कहना है कि भाई मत लगाओ रेस सुपर बाइक से। जब आपके पास सुपर बाइक हो, सुपर बाइक दोनों कैटेगरी की बाइक, सेम कैटेगरी की बाइक हो, तब आप रेस लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और अगर कोई यूट्यूबर इस टाइप की वीडियो डालता भी है कि भाई वो रेस लगा रहा है सुपर बाइक से और कह रहा है कि भाई मैंने Z900 लेके या Ninja 1000 लेके मैंने एक 300cc की बाइक को हरा दिया और वो खुश हो रहा है, तो भाई ऐसी वीडियो को लाइक मत करो, ऐसी वीडियो को आप प्रायोरिटी मत दो बिल्कुल भी। बस इस वीडियो में मुझे ये समझाना था, ठीक है? इस वीडियो में सिर्फ यही बताना चाहता था मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना यार।